हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे लेंस फॉर्मूला। सिंपल सा है, आपने टेंथ क्लास में भी पढ़ा होगा लेंस सूत्र, दैट इज वादापुर वी बाय दिस वादापुर यू इक्वल टू वादापुर एफ। यहां पे पहले हम लिख लेते हैं, वी हैव टू राइट वादापुर वी बाय दिस वादापुर यू इक्वल टू वादापुर एफ। आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज द यू, व्हाट इज द वी एंड व्हाट इज द एफ। हियर यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, लेंस से मस्तक की दूरी हो गई यू, वी डिस्टेंस ऑफ इमेज पृथ्वी की दूरी फ्रॉम लेंस, एंड एफ द फोकल लेंथ फोकल दूरी फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो ये हमारे टर्म्स है, यू क्या है, वी क्या है, एफ क्या है, ये हमें जानने की आवश्यकता थी। ये हर एक बात आप नोट करते जाया करो। अब देखो, हमें जो लेंस का फॉर्मूला लेना है उत्तल लेंस के लिए भी लेना है, अवतल लेंस के लिए भी डेरिवेशन में लाना है। तो हम एक काम करते हैं, हम दोनों लेंसेस के लिए जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो एक ही होगा, वादापुर वी माइनस वादापुर यू इक्वल टू वादापुर एफ। अब ये जो फॉर्मूला है, ये दोनों लेंसों के लिए हम इम्प्रूव करेंगे और एक साथ लेके चलते हैं। एक साइड में तो हम कॉन्वेक्स लेंस लेके चलेंगे, उत्तल लेंस लेके चलेंगे, एक साइड में हम कॉनकेव लेंस लेके चलेंगे, अवतल लेंस लेके चलेंगे। दोनों के डायग्राम्स कैसे बनेंगे, मतलब हम लेंस के सामने जब वस्तु को रखेंगे और वस्तु का जब प्रतिबिंब बनाएंगे, उत्तल लेंस से जब प्रतिबिंब बनाएंगे और अवतल लेंस से जब प्रतिबिंब बनाएंगे, तो इमेज की जो फॉर्मेशन होगी, प्रतिबिंब का जो बंधन होगा, वो एक साथ दिखाते चले। डेरिवेशन करते समय जो हम ट्राइंगल्स वगैरह लेंगे, जो त्रिभुज वगैरह लेंगे, वो दोनों भी एक साथ लेके चले। बीस ईच स्टेप, हर एक पल हम दोनों को एक साथ दिखाएं। तो हम बस ये देखेंगे उसमें कि कौन कौन से कॉमन ऐसे टर्म्स हैं जो शामिल है दोनों में। ओके, देन अब इसको हम रफ कर देते हैं, ये बात रफ कर देते हैं। यहां पर लिखा हुआ यू क्या है, वी क्या है, एफ क्या है, आप सबको पता है, ये लिखा हुआ वैसे नोट कर लिए। वी हैव टू रफली जिसको मिटा देते हैं, फॉर्मूला लिखा दे देते, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बीच में, इधर लेके चलते हैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस के लिए। आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस क्या है, उत्तल लेंस क्या है, जिसके दोनों पृष्ठ उभार के फॉर्म में होते हैं, उभरे हुए होते हैं, कॉन्वेक्स स्टाइल के होते से होते कॉन्वेक्स लेंस, और जिसके दोनों पृष्ठ अंदर को धसे होते हैं, कॉनकेव स्टाइल के होते हैं, उस होते कॉनकेव लेंस। डायग्राम्स बनाते चले जाए, ये हमने लिया कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष, ऐसी यहां पर लिया हमने ये अवतल लेंस, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बनाई मुख्य अक्ष, इसमें दो फोकस पॉइंट हो गए। द्वितीय फोकस जो बिंदु होता है, सेकेंडरी फोकस जो पॉइंट होता है, वो मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। हमने आपको बताया होगा जैसे गोली पृष्ठों के दो फोकस बिंदु होते हैं, प्रथम फोकस बिंदु द्वितीय फोकस बिंदु, ऐसे ही लेंस के भी दो फोकस पॉइंट हुआ करते हैं, प्रथम फोकस बिंदु द्वितीय फोकस बिंदु, और जो द्वितीय फोकस बिंदु होता है उसे बोलते हैं बेड फोकस पॉइंट, मुख्य फोकस बिंदु। उत्तल लेंस में वो दाहिनी ओर होता है, अवतल लेंस में बाई ओर होता है। तो हमने जो बेड फोकस पॉइंट है इसको हमने रिप्रेजेंट किया एफ, इसका जो बैक फोकस पॉइंट होगा वो लेफ्ट साइड में होगा, ये कैपिटल एफ, ये इसने एक्सिस ड्रॉ कर ली। अब हम यहां पर कोई वस्तु लेके चलेंगे, लेट ए बी इज द ऑब्जेक्ट, वस्तु ए बी ले ली,
या हमें कुछ देर भी ले ली। एवी का हमें बेस कैसे बनाओगे, प्रोटीन कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले देखो हमें एक किरण लेके चले पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बुक के थ्रू समानांतर, जो अपवर्तन का फोकस पॉइंट से होके जाएगी, कुछ ऐसे तो होगा। दूसरी किरण ले ले ऑप्टिकल सेक्टर से, जिससे होते प्रकाश केंद्र यहां से, तो यहां से आने वाली प्रकाश किरण बगैर अपवर्तित हुए सीधी चली जाती है, ये सीधी चली जाएगी और ये दोनों के दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेगी, जहां तक काटेगी वहां प्रतिबिंब बच जाएगा। लेट इट इज ए डैश बी डैश, ए बेस बनी इस वस्तु ए बी की, ऐसे यहां पर हम ए बेस फॉरवर्ड शो देखा है। हमने ए बी प्रकाश कोण ले ली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बुक के अक्ष समानांतर। अब यहां पर तो देखो हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया था, तो प्रकाश किरण फोकस पॉइंट्स होके गई, मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसके हम आप देते कन्वर्जिंग लेंस, प्रकाश किरण को नीचे को फोल्ड करेगा, ये प्रकाश किरण को फैलाता है, ये ऐसे फैलाएगा, डाइवर्ट करेगा, इसे बोलते डाइवर्जिंग लेंस, पीछे बढ़ाने पर फोकस पॉइंट पर जाके मिले। हाँ, दूसरी प्रकाश किरण लेके चले जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से प्रकाश केंद्र से हो, ये प्रकाश किरण बगैर अपवर्तित हुए सीधी चली जाएगी, कुछ ऐसे तो होगा। तो जहां पर इंटरसेक्ट करेगी ये प्रतिशत कर रही है, पृथ्वी ए डैश बी डैश, तो ये बेस दोनों ने पृथ्वी का पर्दा दिखाया, उत्तल लय से पृथ्वी का पर्दा, अवतल लय से पृथ्वी का पर्दा, कोई टफ बात नहीं है। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अब सेंटेंस हमें सिर्फ एक एक दो सेंटेंस लिखने होते हैं डेरिवेशन में, ज्यादा हमें सेंटेंस की आवश्यकता है नहीं, बस ये लिखना होगा हम जो भी लेंस लेके चल रहे हैं, अगर इसका डेरिवेशन हो रहा है तो उत्तल लेंस क्या हम डायग्राम बनाएंगे, अगर अवतल लेंस के लिए डेरिवेशन आएगा तो अवतल लेंस का डायग्राम बनाएंगे। ऐसा नहीं करना है कि आया आपको उत्तल लेंस के लिए, जैसे ये कहा उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र को स्थापित कीजिए, है ना, आया तो उत्तल लेंस के लिए, और आपने फिर कहा आधे पन्ने पर उत्तल लेंस के लिए कर लेते हैं, आधे के लिए अवतल लेंस के लिए, ऐसा नहीं करना, बड़ी अब्बा बनने की आवश्यकता नहीं है, जो पूछे बस वही बताओ, उत्तल के लिए तो उत्तल के लिए डेरिवेशन करिए, अवतल के लिए तो अवतल के लिए करिए, ओके। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमें ये बताने का आपको सेंटेंस क्या लिखना है, हमें सेंटेंस सिर्फ इतना लिखना होगा कि लेंस के सामने स्थित वस्तु ए बी का प्रतिबिंब यदि अपवर्तन की क्रिया द्वारा, यहां पर अपवर्तन ही तो होगा, अपवर्तन की क्रिया द्वारा ए डैश बी डैश पे बनता हो तब, इतना सेंटेंस, यही सेंटेंस इसके लिए लिखेंगे, यही सेंटेंस इसके लिए लिखेंगे। अभी हम ये सेंटेंस नहीं लिख रहे, लेकिन आपको बताया आपको इतना लिखना होगा जब हम डेरिवेशन करेंगे तो, उसके बाद हम डेरिवेशन कहां से स्टार्ट करें तो हमें इसके लिए कुछ ट्राइंगल्स वगैरह त्रिभुज वगैरह लेने होंगे। आप थोड़ा केयरफुली देखिए, हम इसमें कौन सा त्रिभुज लेके चले, तो कुछ ऐसे त्रिभुज लेके चले जो कुछ एक दूसरे सिमिलर से समरूप से दिखाई दे रहे हो। मिस देयर आप देखो, अगर हम त्रिभुज लेके चले बी ए सी, बी ए सी ये 90 डिग्री है, ये वाला ट्राइंगल लेके चले और हम ट्राइंगल लेके चले बी डैश ए डैश सी, ये बड़ा त्रिभुज बी ए सी और बी डैश ए डैश सी, ये बड़ा त्रिभुज, दिस होल कंप्लीट त्रिभुज, तो ये दोनों त्रिभुजों में अगर ये एंगल थीटा वन है तो ये थीटा वन है, ये एंगल थीटा टू है, सपोज कर लो इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल थीटा वन, इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल थीटा टू, कौन से ट्रायंगल्स लिए, बी ए सी बी डैश ए डैश सी, इस पॉइंट सी पर एक साइड एंगल थीटा वन है, पॉइंट सी पर दूसरे साइड एंगल थीटा टू है, तो वी हैव टू राइट इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बी ए सी एंड दूसरा कौन सा है बी डैश ए डैश सी, बी डैश ए डैश सी एट पॉइंट सी, सी बिंदु पर थीटा वन इक्वल टू थीटा टू,
इज इट ओके? रीजन क्या होगा? शीशा भी बुक कोड, शीशा भी बुक कोड, इज इट ओके? अब यहां पे देख लेते हैं, यहां पे कौन सा सपोर्ट थ्रू लिया, यहां पे लिया हमने बी ए सी बी डैश ए डैश सी, तो देखो क्या यहां पर भी ऐसे ही होंगे, जरा देख ले बी ए सी, बिल्कुल ठीक है बी ए सी बी डैश ए डैश सी, बिल्कुल यही त्रिभुज, देखो बी ए सी बी डैश ए डैश सी, इस पर सी पर बस ये एंगल दोनों में कॉमन है, यहां तो थीटा वन थीटा टू है ना, यहां पर एंगल लेके चले गए थीटा, लेकिन त्रिभुज हुआ ही, यहां पर भी ये एंगल राइट ठीक है, तो वी हैव टू राइट इन राइट ट्राइंगल बी ए सी एंड दूसरा कौन सा बी डैश ए डैश सी एट पॉइंट सी थीटा इज़ इक्वल टू थीटा कॉमन एंगल, वहां पर थे शीशा भी बुक कोड, ये एंगल क्या हो जाएगा कॉमन एंगल, बस इतना फर्क है, लेकिन त्रिभुज वही समकोण त्रिभुज वही, जो समकोण त्रिभुज यहां पर वही समकोण त्रिभुज यहां पर, अब इधर आ जाइए थीटा इक्वल टू थीटा टू डीएफ फोर टेन थीटा वन इक्वल टू टेन थीटा टू हियर टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, दोनों बातों एक साथ लिख रहे हैं, अब टेन थीटा वन की जो वैल्यू पुट करेंगे सपोर्ट थ्रू बी ए सी से पुट करेंगे, टेन थीटा वन हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब हो गया ए बी आधार हो गया ए सी, तो टेन थीटा वन के बेस पर कितना होगा टेन थीटा वन के बेस पर यू होगा ए बी अपॉन ए सी इज इट ओके इक्वल टू टेन थीटा टू के लिए कौन सा सपोर्ट त्रिभुज है हमारे पास बी डैश ए डैश सी, तो टेन थीटा टू हो जाएगा लंब हो गया ए डैश बी डैश अपॉन आधार कौन सा हो गया ए डैश सी इज इट राइट। अब यहां पर भी देखिए यहां पर थीटा इज़ इक्वल टू थीटा दोनों में कॉमन है, तो जब हम बढ़ावा में सपोर्ट त्रिभुज लेके चलेंगे हम लेके चलेंगे बी ए सी, तो टेन थीटा की वैल्यू होगी लंब हो गया ए बी आधा हो गया ए सी, तो यह ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू, फिर जब छोटा सा सपोर्ट त्रिभुज लेके चलेंगे तो उसका लंब हो गया ए डैश बी डैश ई डैश बी डैश अपॉन आधा हो गया ए डैश, कुछ अंतर नहीं है एक जैसे। अब हम ए डैश बी डैश को धन लिया ए सी को धन लिया और ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू ए सी अपॉन ए डैश सी टर्म्स को ट्रांसपोज भी दिया, ये इधर आ गया ये इधर आ गया, यही कब यहां पर करें ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू ए सी अपॉन ए डैश सी, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसी तरह से सपोर्ट त्रिभुज का दूसरा पेयर और लेके चले, अभी हमने एक पेयर लिया एक जोड़ा लिया सपोर्ट त्रिभुजों का, अब हम सेकंड पेयर देखते हैं, सेकंड पेयर आप देखो जरा इस पॉइंट को ए लिख लेते हैं, ये पॉइंट ए है, तो देखो एक सपोर्ट त्रिभुज देखो आप जरा सी एन एफ और एक सपोर्ट त्रिभुज देखो आप बी डैश ए डैश एफ, सपोर्ट तो सी एड सी एफ बी डैश ए डैश एफ ये तो समरूप हो गए, तो अब ये ले लिया और ये सपोर्ट थे कुछ अगेन फ्रॉम राइट ट्राइंगल एड सी एफ एड सी एफ एंड बी डैश ए डैश एफ बी डैश ए डैश एफ यहां पर देखो इस एंगल को अगर थीटा थ्री लिखे थीटा थ्री इसको लिखते थीटा फोर पॉइंट एफ है एट पॉइंट एफ थीटा थ्री इज टू थीटा फोर इज इट ओके थीटा थ्री इज टू थीटा फोर यही यहां पर देखो यहां पर कौन सा था एड सी एफ यहां पर देखो जरा एड सी एफ बिल्कुल एड सी एफ और कौन सा था बी डैश ए डैश एफ यहां पर देखो बी डैश ए डैश एफ बिल्कुल एड सी एफ
बी डैस ए डैस एफ ये क्यों कॉमन होगा, लेट दिस एग्जिस्ट, ये थीटा वाला था, ये थीटा डैस त्रिभुज वही है। अगेन इन राइट ट्रायंगल एन सी एफ एच और कौन सा है, बी डैस ए डैस एफ, बी डैस ए डैस एफ थीटा डैश कट थीटा डैश, थीटा डैश हो ना तो दोनों में कॉमन है। नाउ हियर इधर आ जाइए, यहां पर थीटा थ्री कट थीटा फोर, देयरफॉर टेन थीटा थ्री इज कट टू टेन थीटा फोर, टेन थीटा थ्री की वैल्यू देखिए टेन थीटा थ्री ये हो जाएगा सी ए अपॉन सी एफ, लंबा याद रहा तो सी ए अपॉन सी एफ इक्वल टू tan theta 4 a dash b dash upon a dash f, a dash b dash upon a dash f। यहां पे भी देख लेते हैं tan theta dash equal to tan theta dash, therefore tan theta dash पहले बराबर सपोर्ट त्रिभुज लेके चले ए सी एफ, यहां से टेन थीटा डैश क्या होगा सी एन अपॉन सी एफ इक्वल टू छोटा सा कोण त्रिभुज लेके चले तो लंब हो गया ए डैश बी डैश, अपॉन आधार क्या है एफ ए डैश, एफ ए डैश या ए डैश एफ, ए डैश एफ, ए डैश एफ। ओके अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हमारा जो सी एन है वो ए बी के बराबर होगा क्योंकि बी एन किसके पैरेलल है ए सी के, बट सी एन इज इक्वल टू ए बी, रीजन बिकॉज बी एन पैरेलल मुख्य अक्ष, ऐसा ही तो है, ये लाइन इसलिए बराबर होगी कि जो बी एन है मुख्य अक्ष समानांतर। यहां पर भी देखिए सी एन किसके इक्वल होगा ए बी, सी एन इज इक्वल टू ए बी, रीजन वही रीजन हमारा जो बी एन है किसके पैरेलल मुख्य अक्ष, कुछ अंतर है ही नहीं, देयरफॉर इसके प्लेस में हम ए बी लिख सकते हैं, वी कैन राइट ए बी। अब हमें इसको रफ करना पड़ेगा पहले क्योंकि स्पेस नहीं है, इतना रफ कर देते हैं, इतनी साइड रफ कर देते हैं, यहां पर ये साइड रफ कर देते हैं, यह लिख लेते हैं therefore सी एन प्लस ए बी आ जाएगा ए बी अपॉन सी एफ इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश एफ, वही बात यहां पे लिख लेते हैं ए बी अपॉन सी एफ इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश एफ, इज इट ओके। ए डैश बी डैश को फिर ट्रांसपोज कर देंगे, इधर आ जाएगा सी एफ का ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू सी एफ अपॉन ए डैश एफ, इक्वेशन सेकंड। यहां पे भी ट्रांसपोज कर ले ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू सी एफ अपॉन ए डैश एफ, इक्वेशन सेकंड। अच्छा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, तो इसकी जो लेफ्ट साइड है वो आपस में बराबर है, तो निश्चित रूप से जो राइट साइड है वो भी तो बराबर होगी, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम ये पूरा मिटा लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
हमें क्या मिलेगा सी एफ अपॉन, पहले इसको लिख लेते ए सी क्योंकि पहले क्वेश्चन भी ये है, ए सी अपॉन ए डैश सी इक्वल टू सी एफ अपॉन ए डैश एफ। ऐसे यहां पर देख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर रफ कर दे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए सी अपॉन ए डैश सी इक्वल टू सी एफ अपॉन ए डैश एफ। अब जरा देखो, अब आप जरा देखो आपको ये मिला ए सी अपॉन ए डैश सी इक्वल टू सी एफ अपॉन ए डैश एफ, इधर क्या मिला ए सी अपॉन ए डैश सी सब सी एफ अपॉन ए डैश एफ को चक्कर है ही, किसी टर्म का अंतर नहीं है ना किसी साइड का अंतर है ना कोई कुछ अलग है ही नहीं, एक जैसा है सब कुछ एक जैसा, तो जो त्रिभुज हम इसमें लेके चले तो वही त्रिभुज इसमें लेके चले, सब कुछ एक जैसा मिला, बस फर्क इतना था कि कहीं कोई एंगल शीशा भी बुक एंगल था तो कहीं कोई एंगल कोवर एंगल था, बस इतना फर्क था, इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं। अब हमें दोनों में कॉमन बात क्या होगी, अब हमें बस ये है हमें की वैल्यू बुक करनी होगी ए सी अपॉन ए डैश सी, इस सबकी वैल्यू बुक करनी होगी। अब इसके लिए एक बहुत ध्यान रखिएगा जो भी डिस्टेंस होती है हम लेंस से लेके चलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके चलते हैं तो हमारे दूरियों को सी से बदलना होगा, जैसे पहली डिस्टेंस है ए सी अपने आप में सही है सी से है, फिर है ए डैश सी, ए डैश सी ये भी सी से अपने आप में सही है क्योंकि हर एक दूरी सी से तो ली जाएगी, सी मतलब ऑप्टिकल सेक्टर, ऑप्टिकल सेक्टर प्रकाशित केंद्र लेंस के बीच का तो पॉइंट होता है, तो ये वाली दूरी देखो ए सी है ये सी से है, फिर है ए डैश सी ये भी सी से है, फिर सी एफ ये भी पॉइंट सी से है, ए डैश एफ ये दूरी कुछ अलग है, ये जो दूरी है वो सी से नहीं है, तो ए डैश एफ को आप बताओ कैसे बदलोगे, ए डैश एफ को इस दूरी को लिखेंगे इस पूरी दूरी में से कंप्लीट दूरी में से सी एफ घटा दे, ऐसे ही तो करेंगे, तो ए डैश एफ किसके बराबर हो जाएगा, ए डैश एफ बराबर हो जाएगा ए डैश सी और माइनस का सी एफ, तो हमें इतना चेंज करना हो चेंज कर लीजिए, और ए सी अपॉन ए डैश सी इक्वल टू सी एफ अपॉन ए डैश एफ को क्या लिखा आपने, इसको लिखा ए डैश सी माइनस सी एफ, ए डैश सी माइनस का सी एफ, ए डैश सी कह लो चाहे सी ए डैश कह लो ये तो बात है। ऐसे यहां पर देखो, यहां पर देखिएगा ए सी ए डिस्टेंस हमारी यहां से यहां तक है, फिर ए डैश सी ये भी सी से है, सी एफ ये भी सी से है, ए डैश एफ A-F को चेंज करेंगे, A-F ये दूरी चेंज करेंगे, तो ये दूरी चेंज करेंगे तो बड़ी दूरी में से CF में से क्या घटाएंगे हम, CF में से घटाएंगे A-C, तो A-F को क्या लिख लेंगे CF by A-C, बिगर राइट, तो यार AC अपॉन A-C इक्वल टू CF अपॉन A-F को क्या लिखा CF by A-C, CF माइनस ए डैश सी, यह थोड़ा चेंज आ गया, यह ए डैश सी में से सी एफ माइनस है तो हमें सी एफ में से ए डैश सी माइनस, बस इतने टर्म का अंतर है, इतने टर्म और कोई अंतर नहीं। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते विद साइन चिन्ह सहित, इसके लिए देखो इस सबको रफ कर दे, इसको रफ कर देते हैं, इसको छोड़ करके हम सबको रफ कर देते हैं और इस लाइन को लिख लेते हैं ऊपर, यहां लिख लेते हैं बीच में है ये ए सी अपॉन ए डैश सी इक्वल टू क्या है सी एफ अपॉन ए डैश सी माइनस सी एफ, इतना लिख लिया और इसको रफ कर दिया, ऐसे इस लाइन को सबको रफ कर देते हैं और इस लाइन को लिख लेते हैं हम ऊपर, तो क्या लिखे उधर रफ हो गया, ये आया होगा देखो कितना ही अंतर आएगा ए सी अपॉन ए डैश सी इक्वल टू था सी एफ अपॉन, यहां पर अंतर था यहां सी एफ पहले था माइनस का ए डैश सी इक्वल,
यहाँ पर ए डैश सी बाइनस सी एफ, तो यहाँ पर था सी एफ बाइनस ए डैश सी। अब देखो वैल्यू पुट करिए, व्हाट इज द एसी, एसी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी है सी से, तो वस्तु की जो दूरी होती है वो यू हुआ करती है। अब जो दूरियां रखेंगे आप चिद साइड रखेंगे तो यू की जगह तो रखेंगे बाय द साइड। अब पुट ए डैश सी, ए डैश सी हो जाएगी लेयर से पृथ्वी तक की दूरी, ये पृथ्वी यही तो बढ़ रहा है तो यहां तक की दूरी हो जाएगी हमारे पास वी, ये दाहिनी ओर है तो प्लस का वी इक्वल टू सी एफ होगी इसकी फोकस दूरी, दाहिनी ओर है तो प्लस का एफ। अब फोर फिर ए डैश सी कितना होगा, ए डैश सी ये प्लस का वी होगा, फिर ये माइनस लगा हुआ है, सी एफ हो जाएगा प्लस का एफ, ये माइनस पर है तो ये माइनस है, दिस माइनस यू अपॉन वी इक्वल टू एफ अपॉन वी माइनस एफ, ये तो है। यहां पर देख लेते हैं ए सी, ये लेयर से वस्तु की दूरी माइनस यू अपॉन ए डैश सी, ए डैश सी लेयर से पृथ्वी तक की दूरी माइनस का वी, क्योंकि ये भी तो बाई ओर है, इक्वल टू सी एफ, इसका जो फोकस पॉइंट है वो भी बाई ओर है तो माइनस का एफ अपॉन सी एफ, सी एफ ये भी नेगेटिव का हो जाएगा, नेगेटिव का एफ माइनस ए डैश सी, ये भी माइनस होगा, माइनस पहले तो प्लस का होगी, यहां से तो माइनस सी माइनस कैसे कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो माइनस यूवी प्लस का यू एफ, आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का यूवी प्लस का यू एफ, इसका टू हो जाएगा वी एफ, हर यू बी को दर लिया वी एफ को दर लिया तो हमें क्या मिलेगा, यू एफ माइनस वी एफ इक्वल टू हो जाएगा यू बी, डिवाइड कर ले यू वी एफ से, यू वी एफ से हर एक पद को डिवाइड कर ले, यू वी एफ से प्रत्येक पद को, भाग देने पर क्या मिलेगा, UVF upon UVF minus VF upon UVF is equal to UV upon UVF, यहां से UF कैंसिल आउट हो गया, यहां से VF कैंसिल आउट, यहां से UV बादापुर V minus बादापुर is equal to बादापुर F, let's talk now, यही काम ना करें cross multiplication, तो देखो U का multiplication minus से तो minus कैंसिल हो गया, इधर मल्टीप्लाई करके तो माइनस का यू एफ आएगा, प्लस का यू वी आएगा, इक्वल टू माइनस का वी एफ आ जाएगा। अब हम यू एफ के टर्म को धर ले जाए, यू वी इक्वल टू हो जाएगा यू एफ प्लस का माइनस का वी एफ, यू वी एफ से डिवाइड कर ले, यू वी एफ से प्रत्येक पद को भाग देने पर क्या मिलेगा, UV upon UVF equal to UF upon UVF minus VF upon UVF, यहां से UV कैसे 12 एक्सपेक्ट टू, यहां से UF कैसे 12 V, यहां से VF कैसे minus 12, वही तो फॉर्मूला है। तो देखो लेंस चाहे कोई सा हो, चाहे हमारा कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, लेंस का ऑब्लिक ही होता है, और आप देखो पैटर्न भी एक जैसा है, डायग्राम से एक जैसे, ट्रायंगल से एक जैसे, बहुत सारी सारी बातें कॉमन है, पर थोड़ा बहुत कहीं चेंज आ गया थोड़ा बहुत, तो थैंक्स अ लॉट फॉर द विजिट।